Good morning, dear friends, and greetings to you in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. Another new day has come. एक और नया दिन आ चुका है. And a new week. एक नया हफ्ता. And we bless the Lord from our hearts that he has given us this opportunity to serve him. और हम परमेश्वर का अपने हृदयों से धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया है कि हम उसकी सेवा करने पाएं. As we spend a few minutes in the presence of the Lord silently to listen to his voice, I pray that the Holy Spirit himself will convict us and convince us that the Jesus Christ is Lord. और इसलिए कि कुछ समय के लिए जब हम उसकी वचन को सुनते हैं, उसकी वाणी से सुनते हैं, होने दे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हमें कायल करे कि वही हमारे जीवनों में परमेश्वर है. Our last meditation was on Saturday. और हमारा पिछला मनन जो था वो पिछले शनिवार को था. It was about a woman bound by Satan for 18 years. और ये था एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसे शैतान ने 18 सालों तक एक बंधन में बांध रखा था. And the meditation was based on the Gospel according to St. Luke chapter 13 verses 10 to 16. और हमारा मनन की शुरुआत पिछले रविवार के लिए जो वचन था वो था लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 10वां वचन से लेकर 16वें वचन तक. Today we shall have the second part of the same passage and let us meditate on it. और आज के दिन हम उसी कहानी या उसी मनन को जारी रखेंगे और उसके दूसरे भाग में या उसके दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे. So to refresh your memory, we are going to read this in Hindi, Luke chapter 13 verses 10 to 16. और आपकी याददाश्त को तरोताजा करने के लिए हम इसे फिर से एक बार हिंदी में पढ़ेंगे. लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 16वें वचन तक. शबात के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. अब तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी. इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शबात के दिन नहीं. यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियो, क्या शबात के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे के थान को से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शबात के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? On a Sabbath day, Jesus was visiting the synagogue in her village. और एक शबात के दिन यीशु मसीह इस स्त्री के जो आराधनालय था वहां पर यात्रा के लिए गया था. And that particular Sabbath, she also chose to visit the synagogue. और इसी शबात के दिन इस स्त्री ने जो कि कुबड़ी हो गई थी इस बात का निर्णय किया कि वो भी आराधनालय जाएगी. Jesus saw her. और यीशु ने उसे देखा. She was crooked. और वो कुबड़ी हो गई थी. And helpless. और उसकी असहाय स्थिति थी. These were the two things we have considered on Saturday. और पिछले शनिवार को इन्हीं दो बातों के बारे में हमने अपने मनन को रखा. Let us continue and observe 5 more things that happened. और आइए आगे बढ़ते हुए हम और 3 बातों को यानी कुल 5 बातों की ओर अपने भाग में आगे बढ़ेंगे. The third thing, therefore, we observe in this passage is that she was anxious. और जो तीसरी बात हम इस वचन में देखते हैं वो ये है कि वो निराश हो गई थी. Anxious. Anxious means what? She was concerned about her condition and she was concerned about what the crowd will say, think. और वो इस बात को लेकर चिंता में थी कि मेरी परिस्थिति कैसी हो गई है और भीड़ मुझे क्या कहेगी. But she was there in the synagogue when Jesus also was at the synagogue. और वो उस आराधनालय में तब थी जब यीशु भी उस आराधनालय में था. She must have come there because Jesus was going to be there. और वो वहां पर इसलिए आई होगी क्योंकि यीशु भी वहां आने वाला था. And it does not matter where we take our sin crooked souls. और ये मायने नहीं रखता कि हम अपनी
पाप से कुबड़ी की गई आत्माओं को कहां लेकर के जाएं? There is no deliverance for us so long as we avoid the presence of the Son of God. और जब तब तक हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं है जब तक हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ठुकराएं and refuse to hear his voice his या, word या उसके वचन या उसकी वाणी को सुनने से ठुकरा दें. Always remember, हमेशा याद रखिए, the word of God and Jesus Christ as the same thing. याद रखिए, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही एक बातें हैं. So that is a third thing that we observe. और ये वो तीसरी बात है जो हम स्त्री के बारे में देखते हैं. Jesus was there. यीशु वहां पर था. And she also was there. और वो भी आराधनालय में मौजूद थी. And what is the lesson? और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? It doesn't matter where we take our sin crooked life. ये मायने नहीं रखता कि हम अपने पाप से कुबड़े किए गए जीवनों को कहां लेकर के जाएं. There is no deliverance that can be found for any need. और कोई भी छुटकारा किसी भी आवश्यकता के लिए नहीं मिल सकता है. If we keep on avoiding the Son of God, Jesus Christ, and listen to His word. और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र उसे ठुकराते रहें या उसके वचन या उसकी वाणी को ठुकराते रहें. So the fourth thing is. वैसे चौथी बात ये है. Now notice what happened. और आगे देखिए क्या होता है. She heard the master's invitation. उसने स्वामी के न्योते को सुना. The invitation was given by her name. और उस न्योते को दिया गया था उसके नाम के द्वारा. In verse 12. बारहवे वचन में she called her to himself और उसने उसे देख करके बुलाया and then spoke to her और उससे कहा. So he's calling her to him और इसलिए यीशु का उस स्त्री को अपनी ओर बुलाना means how personally he was interested in setting this woman free from her crooked. वो इस बात को दिखाता है कि कितना यीशु मसीह इस बात को लेकर चिंतित था कि वो इस स्त्री को इसके बंधनों से आजाद करना चाहता था. गॉस्पल प्रीचिंग इज एन इनविटेशन. और याद रखिए, सुसमाचार प्रचार करना एक न्योता देने के समान है. एन इनविटेशन वाज गिवन बाय हर नेम और एक न्योते को उसके नाम के अनुसार दिया गया. The invitation is to come to the Lord Jesus Christ. और वो न्योता था कि तू यीशु मसीह के पास आ जा. And be delivered from Satan's prison. और शैतान के उस कारागार से आजाद हो जा. Yes, it is also a war, a declaration of war against Satan. और ये हाँ, इस बात की घोषणा भी है कि एक लड़ाई को शैतान के विरुद्ध घोषित करने. Because Jesus very clearly mentioned also. क्योंकि यीशु ने बड़े स्पष्ट रूप से ये भी बताया. That this woman who was also a daughter of Abraham was bound by Satan for all these 18 years. कि ये स्त्री जो अब्राहम की एक संतान है, शैतान ने इसे कई सालों से बांध रखा था. And when Jesus called her. और जब यीशु ने इसे बुलाया. And told her. To receive her healing. और उसे कहा कि तू अपनी चंगाई को प्राप्त कर. It was a declaration by the Lord of a war against Satan. तब परमेश्वर के द्वारा एक लड़ाई की घोषणा कर दी गई थी शैतान के ओर. Now why? क्यों? Because Satan imprisoned people everywhere. क्योंकि शैतान तो हर जगह, हर स्थान और हर वक्त लोगों को बंधी बनाता है. That is his job. और यही उसका काम है. There were many in the synagogue. और आराधनालय में कई लोग मौजूद थे. But he called her particularly. लेकिन यीशु ने इस नारी को, इस स्त्री को बुलाया. Why? क्यों? Because remember Jesus' own words. He came to set the captives free. लेकिन क्योंकि आप याद करें यीशु के खुद की वाणी या वचन, जब वो कहता है कि मैं आया
ताकि बंदियों को आजाद करूं। He came to proclaim liberty to the prisoners. और उनको जो दासवत में हैं, कारागार में हैं, उन्हें आजादी की घोषणा उनके जीवनों पर करूं। And the opening of the prison to those who are bound. और उनके लिए कारागारों को खोल दूं जो जंजीरों में बंधे हुए हैं। He searches out the helpless. और इसलिए वो असहाय लोगों को ढूंढता है। Whom Satan had bound for 18 years. जिन्हें शैतान ने 18 साल से बांध रखा था। He alone has the key to all the prison houses. और उसी के पास सिर्फ एकमात्र वही ऐसा है जिसके पास सारे कारागारों की चाबी मौजूद है। The devil imprisoned those in the prison of fear. और शैतान तो ऐसे लोगों को भय के कारागार में बंद कर देता है। And or it could be a prison of anxiety. या हो सकता है निराशा या चिंता के कारागार में। Or it may be a prison of depression. या हो सकता है निराशा के कारागार में उन्हें बंद कर देता है। Or many are imprisoned by the prison of affliction. या ताड़ना के कारागार में उन्हें बंद कर देता है। और अल्कोहलिज्म या पीना शराब पीने का कारागार, सिकनेस एंड लोनलीनेस और एकांत या वो बीमारियां या रोगों का कारागार, प्रिजन ऑफ ड्रग एडिक्शन या नशेड़ी नशा का वो कारागार, द प्रिजन ऑफ प्राइड या घमंड का वो कारागार, एंड और सिन ऑफ ग्रीड या वो लोभ या लालच, पाप, फियर ऑफ लाइफ या जीवन का भय, फियर ऑफ डेथ या मृत्यु का भय, fear of loneliness या एकांत का भय, and that Jesus Christ has conquered them all. लेकिन यीशु मसीह ने इन सारी बातों पर विजय पा ली। And he came to set the prisoners free. और वो आया ताकि बंदियों को आजाद कर सके। Among my listeners और जितने मुझे सुन रहे हैं, are there people who are imprisoned by one of these? क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनमें से किसी भी एक कारागार में बंदी बने हुए हैं? This is what the devil does. ऐसा ही तो शैतान चाहता है और करता है। He imprisons people into these prisons and keep them as captive. क्योंकि शैतान तो ऐसे ही कारागारों में लोगों को बंदी बनाकर दासवत में रखता है। But Jesus Christ came to set all such captives free. लेकिन यीशु मसीह तो इसलिए आया ताकि ऐसे सारे बंदियों को आजाद कर सके। The fifth thing to notice is this. और जो पांचवी बात है जो हमें देखनी है, Jesus touched her. कि यीशु ने उस स्त्री को छुआ। That is an intimate love for this woman, and Jesus wanted to set her free, and so he touched her. और ये यीशु का एक बहुत ही गहरा प्रेम उस स्त्री के लिए था, और इसीलिए यीशु ने उस दया और प्रेम में उस स्त्री को छुआ। He laid his hand on her. और उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उसके ऊपर रखा। Jesus Christ came for what? यीशु मसीह किन बातों के लिए आया? Jesus Christ came into her personal contact. और यीशु मसीह तो उनके व्यक्तिगत रिश्ते में आया। And he comes into personal contact with every soul whom he saves. और इसलिए यीशु मसीह हर एक आत्मा के व्यक्तिगत उस व्यक्तिगत रूप से मिलता है जिनको वो बचाता है। And he is ready to lay his hand on everyone who accepts his invitation. और वो तो तैयार है अपने हाथों को रखने के लिए हर एक के ऊपर जो इस नियोते को लेने के लिए तैयार है। And bring healing and break every fetter. और चंगाई को उनके जीवनों में लाए और हर एक बंधन को तोड़ दे। And one thing about Jesus Christ. और एक बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Even after setting them free and bringing complete healing. इनको चंगाई देने के बाद और पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के बाद। He does not abandon them. लोगों को छोड़ नहीं देता। He continues to care for them. वो तो निरंतर उनकी चिंता करता है। He continues to love them. वो उनसे निरंतर प्रेम करता है। And he continues to protect them. और वो निरंतर उनकी रक्षा करता है। He is a constant friend. वो तो एक निरंतर में एक मित्र है। He wants to see you entering into eternity to live with him forever and ever. वो तो चाहता है कि आप उसके संग उस अनंत काल में प्रवेश करें ताकि आप अनंत तक उसके संग जिएं। What a wonderful savior. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता। What a wonderful friend. और कितना अद्भुत मित्र। Oh, what a friend we have in Jesus. और कितना महान मित्र प्रभु यीशु में हमारे पास है। Because he is not like anybody.
क्योंकि वो किसी के समान नहीं. You know, he created everything that उसने we ही know. हर एक बात की रचना करी जो कुछ हम देखते But हैं. After his creation, लेकिन उसे बनाने के पश्चात, did he leave them alone? क्या इन सारी बातों को उसने आके एकांत में he छोड़ still दिया? Take care of his creation. वो तो अभी भी अपनी रचना की रक्षा करता है. And my friends, that's why Jesus Christ is very personal, and he gives everyone a personal touch, and then continue to care for them, empower them, and give them grace. और इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तिगत उद्धार करता है और वो हर एक को अनुग्रह और दया देने वाला परमेश्वर. And he is ready to touch everyone and lay his hand on everyone who accepts his invitation and come. और वो तो तैयार है कि अपने हाथ को हर एक के ऊपर रखे और छुए जो कोई उसके नियोते को ग्रहण करके उसके निकट आता है. Come unto me, all of you who are tired and weary. और मेरे पास चले आओ हे बोझ से लदे हुए लोग. I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. And so, the sixth thing is, तो छठी बात ये है, in verse 12 again, और बारहवें ही वचन he में, delivered them. यीशु ने उसे आजाद किया. He set her free. और यीशु ने उसे आजाद कर दिया. He gave the command. और यीशु ने ये आज्ञा दी. Stand up. खड़ी हो जा. And she stood up. और वो खड़ी हो गई. At his word. उसके वचन के अनुसार. The invisible power of Satan and Satan himself, who was bounding her all these 18 years, had to flee away. और यीशु के सामर्थ के आगे वो शैतान और शैतान का सामर्थ जो स्त्री को 18 साल से बांधे हुआ था वो भाग निकला. So what is the last thing we notice? और आखिरी बात हम अंतिम बात हम क्या देखते हैं? She left the synagogue free and stood straight and walked away free. कि वो उस आराधनालय से आजाद होकर स्वतंत्र होकर और सीधी खड़ी होकर वहां से स्वतंत्र निकली. Do you think that she had forgotten Jesus since then? क्या आपको लगता है वो यीशु को उस समय से भूल गई? No. नहीं. You will see her in the kingdom of God. आप उस स्त्री को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे. And so my friends, और इसलिए मेरे मित्रों, if there is anyone listening to me, listen. There is a prison in which you may be in today. और हो सकता है आज की सुबह आप में से जो कोई मुझे सुन रहा है, आप एक ऐसे कारागार में हैं जिसमें आप जी रहे हैं. Jesus Christ is giving you the same invitation. और यीशु मसीह यही न्योता आपको भी दे रहा है. Woman, स्त्री, stand up, खड़ी हो जा, and come to me. और मेरे पास आ. And she came. और वो आई. And he touched her. और यीशु ने उसे छुआ. And she was straight. और वो सीधी हो गई. The same invitation is coming to you through this. Message. और आज की सुबह यही न्योता इस संदेश के द्वारा आपके पास आता है. Bow down wherever you are. जहां कहीं पर भी हैं आप अपने सरों को झुका लें और उसके नाम को पुकारें. Here am I, Lord. कि यहां पर मैं हूं परमेश्वर. Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता. Thank you for this word. धन्यवाद अपने तेरे इस वचन के. Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के. Thank you for giving us this assurance that when we accept your invitation and come to you, you will reach out and touch us and set us free. From all fears. कि हम जब तेरे नियोते को ग्रहण करते हैं, तू हमारे जीवनों में आता है और हर एक प्रकार के बंधन से हमें आजाद कर देता है. And thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. We need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. We have the boldness to come. ताकि हमारे पास वो हियाव हो कि हम तेरे निकट आ सके. And then continue to live in you. और निरंतर तेरे संग जी सके. In Jesus name. यीशु के नाम में. And remember, my friends. Amen. It is your continuing to remain in Jesus. That you will also continue to enjoy His healing. याद रखिए मेरे मित्रों, ये तो आपका निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है, जो आपकी सहायता करेंगे कि आप निरंतर उसकी चंगाई को अपने जीवन में. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. ये एक महान दिन है. Enjoy this day and serve Him and walk with the Lord and enjoy His grace. और इस दिन का आप आनंद ले, इस दिन में आप चले और उसके अनुग्रह के अनुसार बातों को करें. Amen. Amen.